तो मनरेगा कर्मियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण यहां पर ब्रेकिंग न्यूज निकल कर सामने आ रही है, जहां सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में मनरेगा कर्मियों के हड़ताल पर होने से मनरेगा संबंधी काम हुआ ठप। आप सभी को बता दें कि जो आप सभी की लंबित समय से मांग चल रही थी, आप सभी की मांग को लेकर सरकार नया आदेश जारी कर सकती है। वहीं आप सभी को बता दें कि मनरेगा कर्मियों की जो हड़ताल है वह उससे संबंधित काम यहां पर ठप हो चुके हैं। तो आप तस्वीरों में यहां पर देख सकते हैं, जिसमें मनरेगा श्रमिक यहां पर अपनी मांग को लेकर लगातार सरकार को अपना ज्ञापन सौंप रहे थे, जहां अवधेश कुमार की तरफ से यह महत्वपूर्ण अपडेट जहां हजारीबाग की तरफ से आ रहा है, जहाँ केरीडारी प्रखंड के पोटो पंचायत में चल रहे सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में मनरेगा कर्मियों को हड़ताल पर होने से मनरेगा से संबंधित किसी तरह का कोई काम नहीं हो पा रहा है। तो बात करें आप सभी के मनरेगा कर्मियों को हड़ताल पर चले जाने के कारण आम जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, जहां सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर हर तरह के लाभ से लाभान्वित होने की बात करती है। तो आप सभी की जो लंबित मांग है उसको सरकार जल्द ही पूर्ण करेगी। वहीं आप सभी को बता दें, वहीं आम लोगों के लिए नील का पत्थर यहां पर साबित हो रहे मनरेगा योजना का लाभ से वंचित रखा जा रहा है। अगर सरकार मनरेगा कर्मियों के हड़ताल पर विचार नहीं करती है तो लाखों लोग जो मनरेगा से लाभान्वित हैं वो या वैसे मनरेगा मजदूर जो मनरेगा योजना से मजदूरी कर अपना घर परिवार और अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन लोगों के समक्ष भुखमरी का समस्या का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। तो आप सभी की जो लंबित मांग है उसे सरकार जल्द ही पूर्ण करेगी। इसको लेकर आप सभी के लिए लेटेस्ट अपडेट था। तो जल्द ही आप सभी को मिलते हैं अपने इस नए लेटेस्ट अपडेट के साथ। अब थैंक यू डियर फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।